उम्मीद करता हूँ कि इस सारे तामझाम का ढंग का नतीजा निकले। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि टू मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वाह सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 trillion मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अप्पा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या कहते हो, मैं से एक ऑफर ले लें? बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देख कर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थर्ड स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूं। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन्स के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये सब और बेहतर हो पाता अगर तुम नासा में काम करते तो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूं।